लोगों की सेवा करना इस महामारी के वक्त एक सौभाग्य की बात है। कोरोना के सेकंड फेज से हर कोई भयभीत है, न ऑक्सीजन मिल रहा है, न मेडिसिन और न ही राशन। पर समाज में कुछ फरिश्ते हैं जिसे आप कोई भी नाम से पुकार सकते हैं। ऐसा ही एक नाम है जैन साधक श्रद्धा श्री देवेंद्र भाई जी, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अक्सर जो बन सके वह करते ही नजर आते रहते हैं। और जब से लॉकडाउन और कोरोना महामारी से जंग देश लड़ रहा है, तब से ही श्रद्धा श्री देवेंद्र भाई जी और सक्रिय हो गए और राशन से लेकर अन्य ज़रूरत की चीज़ों को गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, पर कभी दिखावा नहीं किया। आज वह इसलिए सामने आए हैं कि इनको देखकर और भी लोग प्रेरित हो सके और आगे आकर सेवा करें। श्री देवेंद्र भाई जी ने ज़रूरतमंदों को आज राशन वितरण किया और आगे जो भी हो सकता हो वह करने की बात कही। और आज इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जितने लोग कोरोना महामारी से नहीं अपना जीवन खोया, उससे कहीं अधिक समय पर इलाज नहीं मिलना और ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने अपनों को अपने जीवन को खोया है। हमारे देश में जिस तरह की महामारी चल रही है उसको देखते हुए सर आपने जो इनिशिएटिव लिया है, थोड़ा सा उस बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। आज पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, आपस से जूझ रही है और सभी जो संस्थाएं हैं, सभी जो समाज सेवा जो कार्य करते हैं, तो सभी इसमें बढ़ चढ़ के हाथ अपना सहभागिता दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो संस्थाएं, जो लोग कुछ संकोच बस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे मैं एक गुजारिश करना ये चाहता हूं कि वो भी अपना दिल बढ़ा करके हमारे जो लोग हैं, मीडियाकर्मी लोग हैं, हमारे जो मैं जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, उन सबको उनके आज लॉकडाउन के कारण आज जिनको जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, आज उनको बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आज हम जब देखते हैं सड़कों पर देखते हैं, आज उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सब लोग अपना दिल बड़ा कर सभी लोग एक दूसरों की मदद करें, सभी लोग अपना उन्हें सहयोग दें, क्योंकि आज हम उन्हें हमारे लिए हमेशा हमेशा मदद करते आए हैं। हमें भी आज समय, समाज को वो समय आ गया है कि हमें भी उनको मदद करने की ज़रूरत है। सर आज के इनिशिएटिव के बारे में बताइए, जो आप मीडिया के लिए कुछ छोटा सा आपकी तरफ से जो कर रहे हो आप। देखिए, मैं करने वाला होता कौन हूँ, पहली बात तो यह है कि मैं करने वाला कोई होता ही नहीं हूँ। ईश्वर जो करा रहा है वो आप और हम एक निमित्त बन सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, वो तो थोड़ा सा हमारे पुष्कर जी ने, जो हमारे बड़े प्रिय हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ थोड़ा सा हमारे मीडिया भाई बहन हैं उनके लिए कुछ आप कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई हम कौन होते हैं करने वाले, जो कुछ होता है देख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारी तरफ से जो है तो आप लोग उसको हम बताने नहीं चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है वो आप लोग, क्योंकि कहते हैं कि जब कुछ अच्छा कार्य करो तो उसको बता के नहीं, आराम से कर दीजिए। तो वही एक मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट राइट सर, इसके अलावा हमारे देश में जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है और बहुत सारी चीज़ों की कमी आ रही है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है? आज हम बड़ी तकलीफ हो रही है। आज वैसे देखा जाए, एक व्यक्तिगत तौर पर मुझे देखा जाए तो एक बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा हो रही है कि आज हमारे देश में, आज जब से शायद आज भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी नौबत आई है कि आज लोग सांस लेने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज पहले कोरोना की मार, बेरोजगारी की मार और फिर सांसों की मार, इससे इतना लोगों का हौसला जो है वो इतना टूट चुका है कि आज बहुत जितने लोग कोरोना महामारी से ग्रसित नहीं मैं अपनी जान गंवा रहे हैं, उससे कई अधिक अपनी जान सांस से ऑक्सीजन की कमी के कारण और घबराहट के कारण। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी आप जो बीमारी से ग्रसित हैं उनको आप पहली बात आप डट के सामना करें, घबराएं नहीं। आपके साथ पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरे देश आपके साथ दुआएं प्रार्थना कर रहा है कि आप जल्दी स्वस्थ हो। हमारा कोई आपसे नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी इंसानियत और मानवता के नाते हम आपसे यही दुआ करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप उसको डट के सामना करें। और भगवान से मुझे संन्यास जीवन के मुझे आज 20 वर्ष हो चुके हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आज मैंने 20 साल में जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य कर्म किए हों, तो हे परमात्मा उसका फल मुझे ना देकर मेरे भारत के प्रत्येक कोरोना महामारी से जूझ रहे जो भाई बहन
एवं अन्य उनके परिजन को उनके खाते में दे दें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आप घबराएं नहीं, आप चिंता ना करें, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी समय की मुसीबत है, आप निश्चित ही इससे पार पाएंगे और इससे विजयी होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र गोवा के राज्यपाल माननीय महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, उनके बारे में कहा जाए तो एक उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो नेचर है, वो जितना प्रकृति से मिलता जुलता नेचर है उनका, इतने सॉफ्ट और हमेशा एक संत हृदय है उनके बारे में, और हमेशा महाराष्ट्र और गोवा की भलाई के लिए ही चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को कैसे वो अपने सेवा काल के दौरान कैसे लाभान्वित करवा सकें, कैसे उनके द्वारा अच्छे कार्य हो सकें, कैसे निर्णय हो सकें, वो हमेशा, और उनसे मेरा पर्सनली व्यक्ति तौर पर बहुत अच्छा रिश्ता है, और जब भी उनको कुछ लगता है तो मैं उनसे भेंट करता हूँ, जिससे सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी लोगों को मदद मिलती है, उनकी प्रोत्साहन के लिए मदद मिलती है, और हमेशा वो कुछ ना कुछ अच्छे कार्य के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं हमेशा। जब से मास्क का आया है, लोग कहते हैं कि मास्क पहनने से तकलीफ होती है, सफोकेशन होता है, लेकिन जैन धर्म की बात करें आप लोग, अक्सर हम लोग देखें उन लोग मास्क पहन के रखे पहले से ही, तो क्या कहते हैं जैन दर्शन के बारे में? हम देखें, एक जैन दर्शन अभी 1000-2000 साल पुराना धर्म नहीं है, इसको हम अगर जैन धर्म के आगम उठा के देखें तो कहते हैं अनादि निधन है ये जैन धर्म, और जैन धर्म के जो प्रिंसिपल है, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, वो पूरे के पूरे आज की दुनिया के हिसाब से, आज के वैज्ञानिक तरीके से पूरे सटीक और बिल्कुल प्रॉपर सटीक बैठते हैं। आज जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि छान के गर्म पानी पीजिए, आज मास्क लगाइए, आज रात्रि 6 बजे के बाद भोजन नहीं करिए, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, और सबसे बड़ा जो सिद्धांत दिया है भगवान महावीर ने, वो कहा है अहिंसा का, उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, अहिंसा अहिंसा जितना पालन करेंगे, आज कोरोना पूरा देश और पूरी दुनिया कह रही है कहीं ना कहीं कोरोना में हिंसा का बड़ा प्रयोग हुआ है, तब जाके इतने बड़े पैमाने पे आज वो पनप पाया है। इसके लिए भगवान महावीर ने जो पहले 250 बरस पहले कह दिया है, आज विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है, तो जैन धर्म इन सिद्धांतों से पहले जीते आ रहा है, और हमेशा जब तक जैन धर्म रहेगा जीता रहेगा इन सिद्धांतों को। तो यही मेरा मानना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जैन दर्शन को माने कि भगवान महावीर को माने, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आप सही इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इन रूल्सों को मानना पड़ेगा, रात्रि भोजन नहीं करें, मांसाहार का कम से मांसाहार का त्याग करें, और शाकाहार जीवन को अपनाएं, और छल कपट प्रपंच जो हम दुनिया भर को लगाए में दूसरों को ठगने में लगे रहते हैं, इनसे बचने का प्रयास करें। महावीर ने जो 5 सिद्धांत किए हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का जो सिद्धांत दिया है, इससे हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सम्मिलित है। महावीर कहते हैं इनके अपोजिट चाहोगे तो आप दुख का कारण बनेगा, उनके समर्थन में जाओगे तो आपका सुख का कारण बनेगा। डिसाइड हमें करना है कि हमें कौन सी लाइफ जीना है और कौन सा मार्ग हमें चलना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। और विशेषकर हमारे जो हमारे भाई पुष्कर जी और सब मीडिया कर्मी हैं, और यहाँ भी और भारत के जितने भी हैं, जो भी अपनी जान हथेली पर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं, पल पल की खबर, पूरे देश और दुनिया की खबर आपको टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत ही सम्मान के साथ उनसे विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे समाज के चौथे स्तंभ हैं, और चौथे स्तंभ होने के नाते आपका एक कर्तव्य दायित्व बनता है कि आप सच्ची और अच्छी घटनाओं से प्रेरित खबरों को अधिक से अधिक प्रसारित करें। भली से आपकी TRP थोड़ी बहुत कम आएगी, पर आप निश्चित मानिए जो आपको सुकून, जो शांति, जो पीस आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है। हमारा जीवन बहुत छोटा है, क्यों हम दुनिया के छल कपट प्रपंचों में पड़े, क्या हासिल होने वाला है, किस लिए हम कर रहे हैं? आज देखो ना, जिनकी करोड़ों अरबों की जायदाद धरी की धरी रह गई, और कोरोना के एक झटके में पता चला कि शाम के अच्छे भले हैं और सुबह उनको दुनिया से हमारे बीच से विदा हो जाते हैं, क्या रखा, सब धरा रह गया यहीं पर। तो बस हमारा बस भारत और सबसे यही निवेदन है कि अपने में जिए, दूसरों से छल कपट मत करें, दूसरों की एक दूसरों की बुराई मत करें, अपने में जीने का प्रयास करें, और भगवान का जो भी आप जिन ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिसको मानने वाले हों, सभी अपने आराध्य करें, प्रार्थना करें कि जो भारत में महामारी है,
वो जल्द से जल्द उससे निजात मिले, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, हम एक निमित्त मात्र हैं जो हमें ईश्वर ने दायित्व दिया है, उसको पूर्ण ईमानदारी और समर्पण और निस्वार्थ भाव से करें। आपकी खुशी का आप देखिए कितना आनंद और कितनी खुशी होती है, जो तीर्थ करने से आनंद नहीं होगा, जो आपको इन सारी चीज़ों अगर जीवन में अपनाते हैं तो आनंद और खुशी होगी आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर।